नमस्ते दोस्तों, आपका इस वीलॉग में स्वागत है। तो तैयार हो जाइए मेरे जिंदगी के एक और हिस्से को देखने के लिए। सो गाइस, ये देखो गोएठा जो है, हम लोगों ने अपने आग लगा दी है यहाँ पे छत पे, एक नंबर की आग लगा दी है मैंने। आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता है मस्ती में। और जो शशांक है, यहाँ आटा गूंथ रहा है। अनुराग आटा गूंथ रहा था लेकिन वो गूंथ नहीं पाया अच्छे से, इसलिए अब शशांक गूंथ रहा है। ओ गाइस, ये देखो कितना तगड़ा आग है। सो गाइस, ये देखो ये गोएठा है और जो नहीं जल रहा था उसको मैंने अलग कर दिया। शशांक है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और देखो अभी अंधेरा हो गया है, लाइट का भी जुगाड़ वहाँ पे कर दिया है, एक्सटेंशन बोर्ड जो है कैसे कैसे करके मैं यहाँ पे अरेंज। तो आज अचानक से मूड किया कि हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं, तो यहाँ पे देखो सारा लहसुन वहसुन आटा वाटा सारा व्यवस्था अपनी छत पे कर देते हैं, तो पानी वानी है। तो हम लोग के साथ हैं अभी शिवम, अनुराग, शशांक और मैं। तो शिवम और अनुराग जो है गए हैं अभी तेल लेने और प्याज लेने, देखते हैं वो लोग लेके आए कि नहीं। शिवम अनुराग तेल लेने चले गए। यहाँ पे मैं अभी टमाटर को और बैंगन को पूज रहा हूँ। इसी आँख में जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट इसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा यार कैसे भी। सो गाइस, ये देखो पूरा अंधेरा हो चुका है और लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। अभी ये चोखा बन रहा है और ये देखो इतने बने हैं, अभी और भी है नीचे। मैं इसमें भी चोखा बना रहा हूँ, ये एकदम देसी स्टाइल से बन रहा है। अचार का मसाला ये भी मिला देना। सो गाइस, ये पूरा प्याज देखो पड़ चुका है, क्या मस्त लग रहा है ना चोखा। ये रहा खूब ढेर सारा बाटी और ये देखो आग जल रही है एकदम मस्त सी। इसी में भी होगा, इसी में सारे बाटी जो है बुझाएंगे। और क्रेडिट गोज टू शशांक जी, शशांक जी इतना मेहनत किए हैं, तो क्या आग निकल रही है यार मस्त। ये पानी लो। हाँ, और तो पानी क्यों डाल रहा है वो पूरा जल ना जाए एक बार में, गोएठा पूरा, मतलब गोएठा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोलते हैं ना। गोरी 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 ना, गोरी 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 गोरी। हम लोग बाटी ऐसे ऐसे डाल देंगे हमारे आटे की है। और ये पलटना है आ गया, मैं पलटता रहूं, मेन टाइम होता है। तो गाइस, अब ये एकदम पीक टाइम है, डाल डाल के तो पलटते रहना है, डाल के तो पलटते रहना है। एक साथ सब रख दूं? हाँ भाई रखो रखो, जल्दी जल्दी रखना है और इसको टाइम टू टाइम पे पलटते रहना है, क्योंकि नहीं पलटेंगे तो एक साइड का जल, इसीलिए देखो ऐसे डालो, बस इसको ऐसे फेंक दो। गुजिया टाइप का बन गया है भाई। ओ गाइस यार, गाइस इतना ज़्यादा इसका धुआं आ रहा है, इस वजह से अच्छे से ये हो भी नहीं पा रहा है। सो गाइस, ये देखो अब ये कितना अच्छा लग रहा है यार, इतना सब। अब इसको देखो, ये देखो जल रहा है गाइस, ये देख रहे हो आप लोग जल रहा है, इसको ऐसे कंटिन्यूस पलटते रहना है, हाथ भी संभाल के पलटना है कि हाथ भी ना जले। अब ये गांव का स्टाइल है, तो दोनों हाथ से लड़का पलट रहा है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो गाइस देख रहे हो इतने ढेर सारे बन गए हैं, अब धुआं वैसे पहले से कम हो गया है और अब ये फाइनली कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल 30 ठो हमको लगता है बने होंगे, 30 ठो बने होंगे, बस ये फटे ना, ये पलटता रहे। और वैसे इसके साइज़ काफ़ी सही हैं, खाने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये देखो काफ़ी क्रंची हो जाएगा इस पर, ये देखो गाइस, ये देखो जल रहा है, अब ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। अभी इसको पूरा साफ करेंगे हम लोग और फिर इसको खाएंगे, पर अभी इसमें टाइम है थोड़ा सा। अभी लार टपकाइए। अभी लार ना टपकाइए, अभी इसमें टाइम है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आप आके यहाँ पे खा सकते हैं, हम लोग बनाएंगे। वैसे दोस्तों की ऐसी मस्तियाँ होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग बाहर नहीं हैं फिर भी गाजीपुर में भी अपने दोस्तों के साथ ये सब मस्ती कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये देखो गाइस, ये देखो जल गई है कैसे, ऐसा मत समझो कि ये जल गई है तो ख़राब हो गई है, जली हुई यही तो इसकी क्वालिटी है। सो गाइस, फाइनली सब हो गया है एंड अब इसमें निकाला जा रहा है। अभी देखो इसको पूरा, इससे जितनी भी राख लगी है सब साफ़ होगी कपड़े से, एंड ये देखो पूरा निकल गया। ये रही हम लोग की पूरी मेहनत, हम लोगों ने कितने घंटे मेहनत की है भाई, 5 बजे से ही आए हैं, 5 बजे से आए हैं एंड लगातार कंटिन्यूस चल रहा है ये सीन। सो गाइस, अभी शशांक को जा रहे हैं छोड़ने और 10 बज गए हैं सब काम करते करते। तो सारी मेहनत मैंने और शशांक ने किया, अनुराग और शिवम जो है बीच में ही भाग गए, जाने दो जो गया सो गया, और वो लोग खाए भी नहीं, तो हम लोग थे अकेले, तो हम लोगों ने खुद से ही कर लिया। अभी देखो पूरे कॉलोनी में हम लोग के अंधेरा हो चुका है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि शशांक मेरे घर रात में इतने देर खाए, मस्ती हुई है, मेरे घर तो पहली बार पार्टी हुई है, पता नहीं किसको देख के इतना भौंक रहे हैं ये लोग।
सॉफ्टवेयर लॉन्ग टाइम, काफ़ी मज़ा आया और जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी क्लियर हो गई और इन्जॉय हम लोगों ने काफ़ी किया। मिलते हैं आप लोग से कल, मज़ा आ गया। वैसे ऐसी मस्ती हुई थी शिवम के घर पे 2018-19 में और अभी जो है आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो यार ऐसी सब चीज़ें जो हैं छोटी मोटी करती रहनी चाहिए, क्योंकि भाई आज दोस्त हैं कल नहीं है, कहाँ हैं कहाँ नहीं है, तो एक मेमोरी बन जाती है। तो इसीलिए मैंने इसका भी ब्लॉग बना लिया, तो दिस ब्लॉग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई मेमोरी। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार रात को 10-10:30 बजे के आसपास ऐसे पूरे खाली सड़क पे चलने में। मैं उतना घूमता नहीं हूँ अपने शहर में इतना ज़्यादा, मतलब रात में दिन में, तो कभी कभार घूमता हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यार लगा नहीं था कि हो पाएगा क्योंकि बारिश जो है आज बहुत ज़्यादा हो रही थी। शाम में भी जब हम लोग ने प्रिपरेशन स्टार्ट की तब भी बारिश हल्की फुल्की होने लगी, बट फाइनली हो गया सब अच्छे से। सो अब रात का कोई भरोसा नहीं है, इस वजह से मैं छत पर नहीं सोऊंगा क्योंकि कब बारिश आए कब नहीं आए, तो इस समय वेदर काफ़ी अनकंडीशनल चल रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, और अभी मेरे पास गोरिल्ला पॉट नहीं है तो थोड़ा सा शेक वो भी मैनेज कर लेना, मैनेज कर करके ही चलते रहो। सो गाइस ये देखो अचानक से बारिश होने लगी है और हम लोग यहाँ पे ऑटो में बैठ गए हैं। ऑटो बिदल दे यार, देखिए बारिश में घूम रहा है, अगर उसकी मम्मी देखे जा रहा है भाई एक नंबर कहाँ भाई कुछ नहीं हुआ भोसड़ी के, तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। कार है, ये बारिश हो रही है और ये पहाड़ी हो रही है। One eternity later. So guys ये देखो क्या हो रहा है, पहाड़ी हो रही है। इसमें फ्लफीनेस आ रही है हल्की हल्की और ये हो रहा है, इसको पूरा पैक रहने देते हैं ऐसे ही 5 मिनट तक। कितना सही हो गया है, सेकने के लिए मैंने लोहे वाला तवा यूज कर लिया है। So guys अब ये उठ के यहाँ पे जाएगा, ये आ गया खाली। अभी लास्ट वाला फुटेज देखा आप लोगों ने, वो था दोपहर का और बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही थी। अब ये और अभी हो रही है शाम, तो शशांक को मैंने फिर से बुला लिया है। दोपहर को हम लोगों को सामान का आदान प्रदान करना था, इस वजह से मिलना पड़ा, और अब शाम है तो वेदर देखो काफ़ी सही है। और भींगने के बाद घर जाके मैंने मस्त लोकी देखा, उसका फर्स्ट एपिसोड इतना मस्त था यार, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना। वेदर इस समय जितना ही मस्त है उतनी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्मी तो लगी रही है। वैसे तो आप लोग मुझे जनरली देखते हो कि मैं तैयार और होकर ब्लॉग व्लॉग नहीं शूट करता हूँ, जैसा रहता हूँ वैसा ही शूट कर लेता हूँ, लेकिन आज देखो एकदम मस्त फुल्ली प्रिपेयर्ड हुआ हूँ। सो गाइस इस समय 5:05 हो रहा है और ये देखो एकदम तगड़ी बारिश हो रही है, मैं तो इस बारिश से उठ गया।